Hey guys, Vande Matram. This is Avinash here again. And in this video, I wanted to show you something here. We are on Ras Laffan port now. और यहाँ पे आसपास में जितने भी आपको दिख रहे होंगे ना, सारे डीपी वेसल्स खड़े हैं. सारे के सारे डीपी वेसल्स हैं. वेरी पावरफुल एंड यू नो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं यार ये. आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना मैं अभी, एक मिनट. ये देखो, एक वेसल यहाँ पे खड़ा है. एक्चुअली चैनल में शायद कुछ टैंकर मूवमेंट हैं, तो ये यहाँ पे एक जगह इनको होल्ड करके रखा हुआ है. सो ये बाकी वेसल्स तो मूर्ड हैं सारे जेटी पे. मूरिंग मीन्स होता है कि वेसल्स को रस्सियों से जेटी पे बांध दिया जाता है. सो वो एक प्रोसेस है इसका, इसको मूरिंग कहा जाता है. मूर्ड होते हैं वो वेसल्स. वो देखो सामने भी वेसल्स हैं. बट ये वेसल यार देखो, ये जो बेसिकली यही काम होता है. डीपी वेसल्स कैन होल्ड देयर पोजिशन एट एनी वेयर. वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, उनको किसी एंकर की ज़रूरत नहीं होती एक जगह पर खड़े होने के लिए. सो सेम वैसी ये वेसल भी एक जगह पर बिल्कुल खड़ा है, क्योंकि टैंकर मूवमेंट की वजह से इनको होल्ड करने के लिए बोला है पोजीशन. सो यही स्पेसिफिकेशन होता है, यही स्पेशियलिटी होता है डीपी वेसल को, जो बाकी शिप से अलग करता है. ये स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बने होते हैं. कहीं भी खड़े कर दो, कहीं भी खड़े होकर जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे कि काफ़ी सारे ऑपरेशन होते हैं. सपोज डाइविंग ऑपरेशन होता है, लाइक अगर पानी के अंदर कुछ पाइपलाइन वगैरह बिछा रहे होंगे, या फिर कुछ रोबोटिक ऑपरेशंस करने होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि वेसल एक जगह खड़े होते हैं. इन वेसल्स पे डाइवर्स, ये हालांकि ये तो पीएसवी है, या हाँ पीएसवी है ये. सो पीएसवी मीन्स प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल. तो इनका मेन काम रिग और प्लेटफॉर्म और ऑप्शन इंस्टॉलेशंस को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें सप्लाई करने का होता है. एक डाइविंग वेसल्स होते हैं, डीएसवी कहते हैं उनको, डाइविंग सपोर्ट वेसल. सो उनका स्पेसिफिक काम होता है पानी के अंदर जो डाइवर्स जाते हैं, वो डाइवर्स उस पर रहते हैं, और उस वेसल्स पे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट डाइविंग से रिलेटेड लगे होते हैं, जो कि डाइविंग को सपोर्ट कर सकते हैं. सो क्या होता है कि डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, जैसे कि अगर कुछ पाइपलाइन का कुछ रिपेयर होना हो, या कुछ किसी वेसल के का भी कुछ करना हो, किसी अदर ऑफशोर इंस्टॉलेशन के अंदर जो पानी के अंदर जाके उसका कुछ रिपेयरमेंट हो, या फिर और भी बहुत सारे केबल ले, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होते हैं, डाइवर्स अंदर जाते हैं, उसको फिक्स करते हैं और आ जाते हैं. बट अगर हम पानी में हैं, पानी में डाइवर्स अंदर जाते हैं, पानी में काफ़ी करंट होता है, सो यार वो एक कॉर्ड वगैरह से अटैच्ड होते हैं, वो उस कॉर्ड के साथ वो ऑक्सीजन वगैरह लेके पानी के अंदर जाते हैं. सो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्क्ड ऑपरेशन हो. तो ये जो ऑपरेशन है, इसको अंजाम देने के लिए सफलतापूर्वक इस तरह के स्पेसिफिक वेसल्स की ज़रूरत होती है. ये वेसल्स अपना पोजिशन बिल्कुल एक जगह होल्ड करते हैं, और पूरा जो डाइवर्स जाते हैं उनका जो सूट है, और उनके साथ और भी बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो वेसल के जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ से वो पूरी तरह से ट्रैक करते रहते हैं कि अभी उनका क्या कंडीशन है, कितने डेप्थ पे गए हैं, वो जो काम चल रहा है वो किस हद तक सही से है, कोई रिस्क तो नहीं है. देयर आर सो मैनी मेजर्स यार, क्योंकि लाइफ इन्वॉल्व होता है वो डाइवर्स का जब पानी के अंदर जाते हैं तो. सो ये काम जो होता है स्पेसिफिक, जो स्पेशलाइज्ड डाइविंग ऑपरेशंस रिलेटेड जो वेसल्स होते हैं ना, डीएसवी वेसल्स, उनके द्वारा ये संपन्न किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली, एक मैं आउटर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीपी वेसल होता क्या है बेसिकली, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वेसल्स. क्योंकि डीपी वेसल्स टोटली स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बना होता है. वो स्पेशल ऑपरेशंस सब, जैसा मैंने आपको बताया, डाइविंग हो गया, प्लेटफॉर्म सप्लाई हो गया, इन सब तरह की चीज़ों को मतलब मद्देनज़र, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन वेसल्स को बनाया गया है. सो एक ये तो डाइविंग की बात हो गई, और नॉर्मल होते हैं एंकर हैंडलिंग ऑपरेशंस होता है, जिसमें कि बड़े बड़े कई टन्स के एंकर को होल्ड करना होता है, और उनको हैंडल करना होता है उस वेसल्स के थ्रू. प्लस पीएसवी जो होता है, जो सबसे फेमस जो डीपी वेसल कैटेगरी में आता है, पीएसवी प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल. तो इनका काम क्या होता है यार, कि ये अभी सपोज मेरा वेसल था, दे आर सम कार्गो, नाउ वी आर गोइंग टू ऑफलोड दिस कार्गो, बिकॉज ये फूड कंटेनर है, वो जनरेटर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वेसल पे लोड होती हैं. तो सपोज क्या है कि अब ये जो सामान है, हम रिग को या फिर प्लेटफॉर्म को मतलब उनसे हम यहाँ लेकर आए हैं, उनका इनसे इससे रिलेटेड काम हो चुका है, तो वो हमको दे दिए, हम इसको आके पोर्ट पे ले देंगे, और हमारे पास उनके जो रिक्वायरमेंट के और भी सामान है वो यहाँ से वापस लोड होगा. तो ये काम पीएसवी का है, क्योंकि एक रिग होता है वो
स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है काफ़ी दिनों के लिए या महीनों के लिए, सालों के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक। सो उतने टाइम पीरियड के लिए ना रिग वहाँ पे इस्टेब्लिश करके रखा जाता है, बट रिग पे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, काफ़ी सारा क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। रिग का काम क्या होता है यार, वो प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होके ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके जो क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस नीचे से निकालते हैं, पूरा समंदर आपको यहाँ जो दिख रहा है ना पूरा सपाट, बट यार ये कहीं ना कहीं आप जब थोड़ा सा बाहर जाओगे तो पूरा सपाट नहीं है, अंदर इसका जो सी बेड है ना, बहुत सारे पाइपलाइंस, केबल्स, सेंसर्स, दुनिया भर की चीज़ें अंदर बिछी हुई हैं जिसके सहारे रिग जो भी चीज़ें ड्रिल करता है, जो भी चीज़ें निकालता है समंदर से ना, उसको उस पाइपलाइन के थ्रू शोर फैसिलिटी तक पहुंचाता है। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े रिफाइनरीज लगे होते हैं, आपको एक जैसे कि वो सब जो दिख रहे हैं बड़े बड़े टैंक्स हैं, वो जो रिग शोर फैसिलिटी पर टैंक्स लगे हुए हैं, उस टैंक्स में यहाँ से आता है सब कुछ, स्टोर होता है, रिफाइनरीज बहुत सारे बड़े बड़े लगे होते हैं, रिफाइन होता है, और फिर वहाँ से कुछ टैंकर्स, LNG, LPG वेसल्स आते हैं, उनमें लोड होता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, रिग से। सो रिग जो है, जो डीप ओशन में रिग इस्टेब्लिश होता है उसका भी प्रोसेस होता है यार, उसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश होता है, प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करने से पहले एक सर्वे होता है पूरे समंदर का यार, कि भाई कहाँ तेल है कहाँ गैस है, उसके हिसाब से वहाँ एक प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया जाता है। प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करने के बाद एक रिग कोई प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी आती है, उससे वो चार्टर पे लेती है, मतलब कि कितने सालों तक हम चाहते हैं कि भाई उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अटैच हो जाएं और ड्रिल करके हम इतना तेल निकाल के और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसका जो प्रॉफिट होगा हम लेंगे और कुछ परसेंटेज जो भी होता है उनका बिजनेस का जो भी सेटअप होता है उसके लिए उनका एक डील होता होगा। सो फिर रिग आती है, रिग आके अटैच होता है, ड्रिल करता है, तेल निकालता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट अब रिग जो है वो तेल तो निकाल रहा है लेकिन इतने सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हो गई। रिग जब वहाँ काम कर रहा है तो बहुत सारे ड्रिल पाइप्स अंदर केसिंग्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पाइप्स, ड्रिल पाइप, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स और दुनिया भर की चीज़ें यार, इवन उतना तो मुझे भी नहीं पता, बहुत लोग जो हम PSV या फिर जो एंकर हैंडलिंग पे पता जो काम करते हैं, दिस इज़ टोटली डिफरेंट, बट हम काफ़ी सारा कार्गो लोड करते हैं तो मोस्टली थोड़े बहुत पता होता है कि इनको रिग को क्या क्या चीज़ों, बहुत सारे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे बल्क की ज़रूरत पड़ती है, बराइट उनको चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, फ्रेश वाटर हम यहाँ से उनको लेके जाते हैं उनको देते हैं, फूड्स हम उनको सप्लाई करते हैं, जनरेटर और दुनिया भर की चीज़ें हम सप्लाई करते हैं। सो PSB का बेसिकली काम यही है कि रिग को या प्लेटफॉर्म को अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो PSV के थ्रू हम पोर्ट पे आते हैं, हम वो सारा सामान लोड करते हैं, हम रिग के पास जाते हैं और रिग को वो चीज़ें हम डिलीवर करते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो तो हम भाई ऐसे भी सीधा जाएं, अप्रोच करें और डिलीवर करें, तो DP वेसल की, क्योंकि यार वो जो जोन होता है ना, इट इज़ वेरी हाईली सेंसिटिव जोन, पूरा H2S गैस वाला जोन होता है वहाँ, क्योंकि काम ही ऐसा चल रहा है, क्रूड ऑयल खोद के निकाल रहे हैं, नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, कुछ भी हुआ तो अगर हिट कर गए या किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो यार बहुत लोग मरेंगे, बहुत लोग। एक पुराना एक US में किसी रिग में हुआ भी था, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी मूवी भी बनी थी, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, आई थिंक डीप ब्लू होराइजन और समथिंग उस मूवी का नाम है। सो यार कई सौ लोग मरेंगे, कई सौ, मतलब इट इज़ वेरी हाईली सेंसिटिव एरिया। सो गाइस बहुत सारे लोगों की जान जाने की आशंका होती है उसमें, क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पे आता है एक हीरो की तरह DP। सो DP क्या करता है, हम जो भी चीज़ लेते हैं ये वेसल DP ऑपरेटेड होता है, ठीक है, हम जो भी चीज़ लेते हैं हम प्लेटफॉर्म के पास जाते हैं। एक इंटरनेशनली रूल है कि जब भी किसी ऑफशोर इंस्टॉलेशन के पास आप अगर जाते हैं तो उसके 500 मीटर पहले, सो यार इंटरनेशनल एक रूल है कि 500 मीटर पहले जब हम होते हैं किसी भी ऑफशोर इंस्टॉलेशन के पहले, तो हमको DP सेटअप करना होता है। वी सेटअप DP पूरा का पूरा, लॉगरिदम जितने भी चीज़ें होती है, जनरेटर, मेन इंजन, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ ऑन करके उसको हम DP के साथ मतलब कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वेसल टोटली ऑटो मोड में आ जाता है एक तरह से। ऑब्वियसली ह्यूमन की तो ज़रूरत है ही यार उसको चलाने के लिए, बट वो इतना स्मार्ट सिस्टम होता है कि वो एक एक चीज़ की विंड का डायरेक्शन क्या है, कितने स्पीड से विंड है, थ्रस्टर कितना पानी थ्रस्ट कर रहा है, समुंदर में करेंट कितना है,
सो वेसल का मूवमेंट कितना हो सकता है कितना नहीं, वो हर एक चीज को कैलकुलेट करके वेसल को एकदम पॉइंट पे खड़ा कर देता है। आप जहां बोलोगे कि आपको वहां खड़े होकर ऑपरेशन करना है, वेसल को वहां खड़ा कर देता है वो डीपी सिस्टम। सो बेसिकली उसका ये काम। सो अब ये जो पीएसवी वेसल से सारे सामान को लेते हैं, 500 मीटर एरिया में उसके जाते हैं, वहां पे डीपी सेटअप करते हैं, देन स्लो स्पीड में उसके क्रेन के रेंज तक जाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसमें देखोगे कि ऑपरेशन कैसे, अप्रोच का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, क्रेन से लोडिंग ऑफलोडिंग रिग के साथ कैसे होता है उसके भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। सो स्लो स्पीड में हम उसके क्रेन के रीच तक पहुंचते हैं और फिर वो धीरे धीरे सारा सामान ऑफलोड कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। सो इस तरह से एक पूरा का पूरा एक ऑपरेशन कंप्लीट होता है, इस तरह से पूरा का पूरा एक डीपी ऑपरेशन कंप्लीट होता है। और हम तक बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो भी हम तेल यूज़ कर रहे हैं, जितने भी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में यूजुअली हम सोचते नहीं है कि आखिर आ कहाँ से रहा है, जो पेट्रोल डीजल तेल आता कहाँ से। सो बेसिकली वो यहाँ से आ रहा है यार, वो रिग है, पहले तो पूरा सर्वे हुआ समंदर में, फिर ये पता चला कि कहाँ पे तेल है, फिर वहाँ पे प्लेटफॉर्म फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद वहाँ पे रिग आया, रिग उससे अटैच हुआ, वो ड्रिल करके वहाँ से तेल निकाला, उससे पहले समंदर में पूरा पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा होगा, उसके थ्रू पूरा का पूरा जो भी चीज़ें निकल रही है, जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, तेल गैस जो भी हो रहा है, वो पाइप के थ्रू ऑफशोर शोर तक पहुंचता है, इस तक पहुंचता है, इन सब टैंक्स में जमा होता है, जो रिफाइनरीज वगैरह हैं इसमें जाके वो रिफाइन होता है, फिर वापस कोई टैंकर LNG LPG वेसल्स होते हैं उनमें वो लोड होता है और हम तक वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग कंट्रीज तक इस तरह से जाकर वो चीज़ हम तक पहुँचती है फाइनली। सो इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के बाद हम पेट्रोल पम्प पे जाते हैं, 100 रुपये देते हैं, पेट्रोल डलाते हैं और भाई निकल लेते हैं। सो इतनी सारी मशक्कत के बाद हमको वो चीज़ मिलता है गाइस। सो इसीलिए टुडे और टुमारो, आपको ही पता है ये जितने भी तेल पेट्रोल गैस हैं ये ख़त्म होने वाले हैं, तो हमको इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, तेल डीजल पेट्रोल जो भी है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसका हमेशा, इन रिसोर्सेज का हमेशा इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, ना ज़रूरत हो तो ना करें, कोशिश करेंगे जितना अवॉइड हो। सो बस यार आज का वीडियो बस इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया, थैंक यू सो मच, आई गेस कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, थोड़ा कुछ तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चला होगा, मैं कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने की, आई डोंट नो कि मैं किस हद तक सफल हो पाया हूँ। पीछे देखिए वो वेसल अभी भी अपने पोजीशन पे ही खड़ा है इतने देर से, और ट्रस्ट मी गाइस वो फुली डीपी मोड में है, किसी भी तरह का एंकर वगैरह, क्योंकि पोर्ट में एंकर डाल नहीं सकते। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू सो मच, अगर यू फाउंड दिस वीडियो थोड़ा भी इम्पोर्टेंट आपको लगा होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब यार, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ओके बाय बाय, वंदे मातरम, सी यू सून।